आज़ादी के 72 साल बीत जाने के बाद भी कोयलीबेड़ा ब्लॉक के ग्रामीण मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। पखांजूर तहसील के रहने वाले लोग बेबसी का शिकार हैं। दरअसल इस गांव में लचर स्वास्थ्य व्यवस्था से ग्रामीणों को आए दिन दो चार होना पड़ता है। ऐसा ही एक मामला कंदारी गांव से सामने आया है, जहां एक महिला को प्रसव पीड़ा होने पर उसे 102 नहीं मिला, जिसके बाद ग्रामीणों ने महिला को खाट पर लादकर कोटरी नदी को पार कर अस्पताल पहुंचाया। ग्रामीणों ने बताया कि उन्होंने कई बार 102 को फोन लगाकर बुलाया। महिला ने 2 घंटे तक एम्बुलेंस का इंतजार किया, लेकिन मौके पर 102 वाहन नहीं पहुंचा, जिससे ग्रामीणों ने महिला को बांदे अस्पताल पहुंचाया, जिसके बाद महिला का प्रसव कराया गया। फिलहाल अभी महिला और उसका बच्चा स्वस्थ है। एम्बुलेंस निकल चुकी है, इंतजार करेंगे, धैर्य बना के रखेंगे। एम्बुलेंस अधिकारी से बात हुई थी कि नहीं? जी हुई थी, लेकिन वो तो बोल रहे हैं 1 घंटा लेट है, आ रहे हैं करके बोल रहे हैं। मैम इतना अगर लेट होते रहेगा फिर धैर्य बना के कोई मतलब वहाँ दूरी होगी, फिर 1 घंटा लगेगा बोल रहे हैं। कहाँ मैम, यहाँ 15 किलोमीटर है यहाँ से। ठीक है, मैं बात करवा रही। क्या हुआ, इनका परेशानी लेके जा रहा है इसको? सर डिलीवर होने का समस्या है। कब से? कल से मान के चल आज तक 2 दिन हो रहा है। एक रात हुआ है, कल से 4 बजे से शुरू है। तो डॉक्टर रहने से हम लोग डॉक्टर को दिखा था, डॉक्टर नहीं है हमारे इधर। क्या है, नदी का कारण में पुजारी लोगों को दिखाना पड़ता है। तो डॉक्टर का मितानिन तरफ से कोई खबर किया है? मितानिन को बोले हैं, वो आके गोली वोली दिया है। उतना बड़ा गोली तो उसके पास नहीं रहता है, हल्का फुल्का रहता है, लेकिन वो क्या है उसके पास अच्छा दवाई रहने से उसी में भी हो जाता है, लेकिन हल्का दवाई जैसा है उसके पास। तो आप क्या मांग करते हैं सर? सर डॉक्टर क्या चाहते हैं? हम लोगों को मांगना है कि हमारे नदीस्पर में एक हॉस्पिटल होना चाहिए और डॉक्टर होना चाहिए। हमको डॉक्टर बिना नहीं हो पाता है। ऐसा परेशानी रोज होते जाता है। अभी थोड़ा पानी कम है, इसलिए इसी डोह के भी पार कर सकते हैं। पानी ज़्यादा है होने से ना हम लोगों को बहुत परेशानी होता है, नाव में पार करना पड़ता है मरीज लोगों को। जंगलू राम कचला में। कौन सा गाँव? कंदाड़ी गाँव। कौन सा पंचायत का? ये कंदाड़ी पंचायत। क्या परेशानी है इनको खटिया में लेके जा रहे? 2 दिन से बीमार है, उसी के लिए लेके जा रहे हैं। कॉल करने से भी नहीं आता। कौन नहीं आता है कॉल करने से? 108 नहीं आते हैं। कॉल किए थे? किए थे सुबह, लेकिन नहीं लगा नेटवर्क। नेटवर्क नहीं है। तो क्या बोलना चाहते सरकार को? क्या बोलेंगे, यही हालत में धोखे लेना पड़ता है। पखांजूर से विप्लव कुंडू की रिपोर्ट।